नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है यार आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर परिवार के साथ। तो जैसा कि आप सब लोग को पता ही है कि हम लोग वीक में सिर्फ एक ही व्लॉग जो है अपलोड कर पाते हैं। हमारे जो काफी दोस्त है यार जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, वो लोग हमें बोल भी रहे हैं कि आप लोग एटलीस्ट कम से कम दो या तीन व्लॉग डाला करो वीक में। बट यार मैं बता रहा हूँ आप लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। कैमरा हैंडलिंग इतना मुश्किल हो जाए बिकॉज सब कुछ न्यू है यार हमारे लिए। हमने कभी सोचा भी नहीं था लाइक हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे, उस पर कोई वीडियो डालेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया तो था बट वो होता ना कि लाइक अचानक से लॉकडाउन हुआ ना, उसमें टाइम मिल गया कि कुछ करते हैं इसके ऊपर, वरना तो कुछ टाइम तो था नहीं। बाकी यार ये आज की जो वीडियो है ये हम लोग सेकंड वीडियो डाल रहे हैं इस वीक पे। इसका रीजन भाई कुछ सॉलिड सा रीजन है, अभी आप लोग को आगे पता चली जाएगा। तो छोटी सी वीडियो बनाई है ना, छोटी वीडियो इसलिए बना रहे ताकि आप लोग पूरा लास्ट तक देख सके, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस यू नो मैटर जिसपे हम लोग आप लोग के साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। अभी दिल्ली में रिसेंटली एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट हुआ है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। मे बी आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो टेक अ लुक। आई वॉच दिस वीडियो यार ऑन ट्विटर, तो आप लोग मेरे को जो ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता भी होगा कि मैंने शेयर किया था इस वीडियो को। तो यार मतलब जब मैंने इस वीडियो को देखा ना, मतलब गूज बम्स हो गया यार बिल्कुल। वो कहते हैं ना लाइक दिमाग फट गया भाई, इतनी जबरदस्त तरीके से, मतलब मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए शरीर के, और इतना गुस्सा आ रहा था इन लोगों पे, बस हद मचा दिया यार। मतलब लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है घर पे आके, और मतलब बच्चे की माँ के हाथ से बच्चे को छीन के लेके जा रहे हैं। वो तो भाई वो लेडी ब्रेव थी जो अपने बच्चे को बचा। नेबर्स थे वो भी काफी अच्छे थे, जो नेबर्स बहुत सही थे यार, नेबर्स ने बहुत सपोर्ट किया, हेल्प करी है। वरना बहुत सारे मतलब लोग तो ऐसे होंगे यार, मतलब पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चों को कब उठा के ले गए, क्या कर रहे हैं, किस हाल में है वो। कैसे लोग हैं यार ये लोग, मतलब कितना गिरेंगे ये लोग, पैसे के लिए कर रहे हैं ना भाई। बच्चों की इनोसेंस को खरीद कर क्या कितना पैसा कमा लोगे, क्या करोगे उस पैसे का, कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा ना भाई। मतलब ऑब्वियसली पैसे के लिए हो रहा है, ये भूखे तो मर नहीं रहे हैं, लाइक बच्चों को नहीं लेके जाएंगे, बच्चे उनको कहीं मिसयूज नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा। इनोसेंस का इतना जबरदस्त मिसयूज करते हैं ये लोग, जो कई मतलब होता है ना लाइक जो आप लोग न्यूज में सुनते भी होंगे, हाथ पैर काट दिए, भीख मंगवा रहे बच्चों से, गर्ल्स के साथ उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। मतलब क्या यार, ह्यूमैनिटी नाम की चीज ही नहीं रखी है लोगों में यार, कितना गिरोगे भाई अपने। मतलब खुद के बच्चे जो है, अपने परिवार के बच्चों को, अभी रिसेंटली जो मैंने इंसिडेंट आप लोग को दिखाया है, ये खुद के मतलब नॉन बंदे ने प्लान किया था यार इसको। तो मतलब भाई अपने ही परिवार के बच्चों के साथ कितना गिरोगे यार। अभी पहले यार एक लाइन पढ़ी थी कहीं पे कि जिस दिन हम लोग भीख देना बंद कर देंगे उस दिन देश दुनिया में से बच्चे उठने बंद हो जाएंगे, किडनैपिंग बंद हो जाएगी। और यार ये वीडियो देखने के बाद ही मुझे लग रहा है ये लाइन बिल्कुल जस्टिफाइड है। हम लोग मतलब ऐसे हेल्प करने के लिए कई बार पैसे दे देते हैं, कहीं भी हमें भीख मांगते हुए बच्चे, कई बार होता है ना कि अवॉइड करने के लिए देते, बच्चे आ जाते हैं गाड़ी के पास आ जाते हैं, आप लोगों के पास होता है रेड लाइट पे आ जाते हैं बच्चे, परेशान करते थोड़ा टिक टिक करते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए भी चलो भाई एक दो रुपया दे देते हैं, जो भी पैसे होते हैं वो दे देते हैं। बट आई थिंक हम लोग ना ये गलत करते हैं, अगर उनकी हेल्प करनी है तो उनको खाना दे या उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरी करें, बिकॉज जो पैसे देते हैं वो लोग उनके लिए तो होते नहीं है वो पैसे, कुछ जो लोग उनसे लाइक जो लोग उनसे भीख मंगवा रहे हैं उनके पास ही जाता है अल्टीमेट वो पैसा। मेरे को लग रहा है ना उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए लाइक, चाहे हम लोग उनको किसी संस्था में या कहीं पे भी, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको उस जगह से बाहर निकाले, हाँ उस जगह से उनको बाहर निकाले, जिस सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं उससे उनको बाहर निकाले, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना ज्यादा मतलब वो कर रहे हैं यार, स्ट्रगल कर रहे हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, मतलब इस वीडियो में ना, मतलब मेरा ये जब से मैंने वीडियो देखी है तो भाई साहब बिल्कुल ना अंदर से मन बिल्कुल ऐसा हो गया है कि लाइक मैंने भी ये वीडियो रात को देखी थी, आई थिंक 10-11 नींद नहीं आई भाई, नींद नहीं आई पूरी रात, और ऐसे घर पे भी बात कर, हमारे घर पे भी नींद रहती है हमारी यार, और ऑब्वियसली यार हम लोग मतलब जान से ज्यादा प्यार करते हैं उसको, बट यार मतलब होता है ना कि लाइक अब ये वीडियो देखने के बाद ऐसा रहता है कि उसको गली में भी कहीं लेके जा रहे हैं या कहीं पार्क में लेके जा रहे हैं ना,
तो यार ऐसे डरने लगने लग जाता कि यार ऐसी एकदम से सडनली वो बात आ जाती है, ऐसी सिचुएशंस जो होती है ना, लाइक मैंने अपनी मम्मी को ऐसे दिखाया वीडियो कि ऐसे हो रहा है, तो मेरी मम्मी भी मतलब ऐसे हो गया कि लाइक गूज बम्स बिल्कुल कैसे हो गई थी, बच्चों को बाहर लेके जाए कि नहीं जाए, और मतलब ऐसे मतलब इतना ध्यान रखती है लाइक वो एक सेकंड के लिए बाहर अकेली गली में खेलते हैं बच्चे, तब भी उसको अकेले में छोड़, बट फिर भी उनको डर रहता है कि लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो में जैसे आप लोगों ने देखा कि बहुत ही रिहायशी सा इलाका है और वहाँ पे भी मतलब दिन दिहाड़े ऐसे काम हो रहा है। मतलब यूट्यूब पे एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर है फ्लाइंगिस्ट, उन्होंने भी इस चीज को डिस्कस किया है, इस मैटर को डिस्कस किया है कि अपने बच्चों को सेफ रखें। हम लोग उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं लेकिन लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू अस। और अगर आप लोगों को ये वीडियो लग रहा है कि हेल्पफुल रहेगी लोगों के लिए, तो प्लीज इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बिकॉज अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस मैटर में। यार हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं भी कर पा रहे हैं आप लोग, तो मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर या मेरे फेसबुक हैंडल पे आप मुझको फॉलो कर सकते हैं हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। वैसे यार जो हम लोग एनालिटिक्स में देख रहे हैं कि 60% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं, और जो 40% है वो नॉन सब्सक्राइबर्स है, तो भाई जो 40% देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल को फॉलो करो यार हम लोगों को, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट यार, जब तक आप सपोर्ट देते रहेंगे हम लोग आगे वीडियोज बनाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।